एमपी के मंदसौर में प्यार के लिए एक युवती ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। गुना की नाजनीन बानो ने प्यार के लिए मजहब बदला है। युवती को दूसरे धर्म के लड़के से प्यारा था। मुस्लिम युवती ने शादी से पहले सनातन धर्म अपनाया है, इसके बाद मंदिर में शादी की है। मंदसौर में धर्म बदलकर शादी बदलने का यह पांचवां मामला है जब किसी मुस्लिम ने सनातन धर्म अपनाया है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज की रहने वाली नाजनीन को टिकटॉक के जरिए दीपक से प्यार हुआ था। इसके बाद वह दीपक को फॉलो करने लगी। इसी ऐप के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हो गई है। यह दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई है। इसके बाद घर के लोगों को बिना बताए दोनों 6 माह पहले घर से भाग गए। दोनों शादी कर साथ में जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन अलग अलग धर्म के होने से शादी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन पहले लड़के ने अपने परिवार से संपर्क किया। उसने परिजन से कहा कि नाजनीन सनातन धर्म अपनाना चाहती है। युवक के पिता ने मंदसौर के चैतन्य सिंह राजपूत से संपर्क किया। इसके बाद गुरुवार रात विधि विधान से गायत्री मंदिर में सनातन धर्म अंगीकार कर नाजनीन नैंसी गोस्वामी बन गई। दोनों ने 7 फेरे लेकर विवाह के गठबंधन में बंध गए। नैंसी 19 साल की है, 9वीं तक पढ़ी है। दीपक की उम्र 22 वर्ष है। वह कॉमर्स में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इससे पहले राजस्थान से भी एक मुस्लिम युवती ने आकर मंदसौर में धर्म परिवर्तन किया था। उस शादी की भी चर्चा हो रही है। इससे पहले एक मुस्लिम शख्स ने भी मंदसौर में धर्म परिवर्तन किया था। मेरा नाम दीपक गोस्वामी है। मैं कुमराज का रहने वाला हूँ, जो कि जिला गुना में आता है, तहसील कुमराज। और हमने दोनों ने मंदसौर में आकर पूरी विधि विधान से इन्होंने कुछ धर्म चेंज करके पूरे हिंदू तीर्थ के साथ हम दोनों की शादी हो गई है। हाँ, और हम लोग 2019 से बात करते हैं। तो कहाँ मिले थे आप? हम कुमराज में मिले थे, जो कि इन्होंने टिकटॉक पर मुझे मैसेज किया था। इन्होंने मैसेज करा था तो हमारी बातचीत होती रही। हम दोनों का मतलब प्रेम प्रसार बढ़ गया, जिसके बाद इन्होंने कुछ साल बाद इनके घर वाले टॉर्चर करने लगे, तो इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। मैंने इनसे बोला मैं हिंदू और आप मुस्लिम हो, तो इन्होंने बोला मैं हिंदू धर्म अपना लूँगी, इसके बाद शादी कर लेंगे अपन। मैंने बोला चलो ठीक है। इसके बाद इनको साथ में हम दोनों साथ में आ गए। फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर श्रीमान चेतन जी हैं, उनसे मैंने संपर्क करा, तो उन्होंने पूरी विधि विधान से इनका धर्म चेंज करवा के पूरी विधि विधान से गायत्री परिवार में हम दोनों की शादी करवा दी। क्या लग रहा है आपको शादी करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है।